हमारे इस क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वीवीए प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेल का फॉर्मूला कैसे लगाया जाए, वो भी एक्सेल के थ्रू। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इंसेंटिव मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, हर नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करना, राइट? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब ये काम मुझे वीवीए के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे? तो डेवलपर पे जाते हैं, विजुअल बेसिक, और डबल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। इंसर्ट करता हूं मॉड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे fun_1 फंक्शन 1 करके मैंने बनाया सब्जेक्ट। सबसे पहले करूंगा रेंज, रेंज में लिखूंगा v2.value, और यहां पे कर देंगे कि a, यहाँ पे कि a2 मल्टीप्लाई बाई 50, बट इक्वल के साथ, ठीक है? तो ये क्या करेगा कि सेम जो यहाँ लिखा हुआ इन्वर्टर कोमा में वो आपका b2 पे डाल देगा। बोले सर ये तो फॉर्मूला इक्वल लगा था, इस कारण से ऑटोमेटिक एक्सेल ने इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट। अब यहाँ पे इस चीज जान लीजिए कि किसी भी तरह का फॉर्मूला, अगर एक्सेल की फॉर्मूला आपको लिखनी है तो इन्वर्टर कोमा में पूरा फॉर्मूला इक्वल के साथ डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक जो वीवी है उसके अंदर टाइप करेगा तो उसको एज ए फॉर्मूला बना देगा, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं? कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि फिर नीचे तक कैसे ड्रैग करें। तो इसके दो तरीके हैं। पहला है कि रेंज हमने लिखा a65000.n xless up, और अब के बाद हम यहां पे ऑफसेट लगाएंगे, लेकिन हम बोलेंगे 0 row और अगली कॉलम डॉट सेलेक्ट। तो क्या करेगा ये, आपका यहां पे a 65000 पे जाएगा, कंट्रोल के साथ ऊपर आएगा और टैब एरो निशान प्रेस करके साइड में यहां पे कर्सर रख देगी, सिलेक्ट कर लेगा ये, क्लियर है? चलिए अब इसमें हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि अब इससे ऊपर मुझे सिलेक्शन करना है, इसको इसके ऊपर ले आके ऐसे सिलेक्शन करना है, वो कैसे करें? इसके लिए यहां लिखेंगे हम कि रेंज, हमने बोला कि मेरा जो है वो एक्टिव सेल है, कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेंस ऑफ डॉट फिल डाउन। क्या करेगा कि ए यहां से कंट्रोल के साथ ऊपर जाएगा और फिल डाउन कर देगा। क्या कर देगा? फिल डाउन। फिल डाउन कंट्रोल डी कर रहा है जी, यार कंट्रोल डी। अब रन कीजिए, ठीक है? या इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता, तो ये तो यहां तक सेम रहेगा। अब यहां लिखेंगे कि रेंज b2.copy और सिलेक्ट करेंगे और यहां पे एक्सेलेस अप में देंगे ऑफसेट, तो बोलेंगे कि 1 row नीचे आ और देन सिलेक्ट, ठीक है? और फिर यहां पे लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट। अब इसको यहां से रन कीजिए, एक नाम के 2 मैक्रो नहीं होने चाहिए, ठीक है सर? हो गया ये, एक बार ऑफिस में हो गया जो लास्ट वाला लाइन लिखा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया कि यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया, देन इसने इसको कॉपी किया
और ए क्या किया, ये नीचे से ऊपर जाके यहां पे कर्सर आया, और ए क्या किया कि जहां पे सेल है वहां से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और एक रो नीचे आया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे फॉर्मूला डाला हुआ है ना सर, 5/50। तो मुझे अगर जब मैं यहां से ऊपर जाऊंगा सिलेक्ट करते हुए तो 4 to 5 0 भी सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे तो पेस्ट करना है, एक रो नीचे आई है ना मुझे, इसलिए हमने ऑफसेट 1,0 किया और डॉट सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। ओके समझ में आ गया? नहीं नहीं समझ में आ गया। कॉपी पेस्ट कर दिया फॉर्मूला। जी हाँ बिल्कुल। अब यहां पे मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पे मैं चाहता हूं कि क्या मैं एक्सेल के फॉर्मूले लगा सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये सेल्स नहीं, ये मान लीजिए रिजल्ट, क्या है रिजल्ट, और ये मान लीजिए मुझे इसमें पास और फेल, ये मार्क्स एंड रिजल्ट देना है, मार्क्स एंड रिजल्ट देना है। तो अगर ग्रेटर देन 40 है तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, पास, और लेस देन 40 है तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अभी दोनों में से जो मेथड लेना है मेथड ले ले, मैं ऊपर वाला मेथड ले लेता हूँ, और इसमें फॉर्मूला चेंज करना है। क्या फॉर्मूला होगा कि इफ ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो अब यहां पे फॉर्मूले के अंदर में मुझे पास लिखना है, लेकिन पास अगर डायरेक्ट लिख दूंगा तो एरर है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि कोई भी टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। आप बोले सर यहाँ तो इन्वर्टेड कॉमा दे रखे ना, तो ये तो वीवीए इन्वर्टेड कॉमा है ना, जो फॉर्मूले के अंदर इन्वर्टेड कॉमा हो वो चाहिए। बोले तो ठीक है सर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, तो अब वीवीए कंफ्यूज हो जाएगा कि ए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज हो गया। राइट, ऐसे केसेस में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है। क्या देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब आपको फॉर्मूले के बाहर अगर लेना है पेस्ट करना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दीजिए सर। तो ये क्या करेगा, ये लिख गया। तो इस तरह से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्लियर है? अब हम आपको कुछ सी